So hey guys, this is Anurag. Welcome back to Lal Classes. Today we are going to understand how to identify adjective in a sentence. Okay, so the topic for the today is identify adjective. So let me take an example to understand what are the position and where the adjective come. We know that adjective come before the noun because it describe the noun. So the words which describe the noun always come before the noun. ओके तो अब देखिए हम मैंने क्या बताया आपको कि जो वर्ड डिस्क्राइब करता है किसको नाउन के बारे में जो डिस्क्राइब करके बताता है वो नाउन से पहले आता है. तो चलिए पहले एक एक सेंटेंस को उठाएंगे और एक एक सेंटेंस को समझेंगे और ये समझेंगे कि ये जो हमारा एडजेक्टिव है वो कौन से टाइप का एडजेक्टिव है. मैंने रिसेंटली वीडियो में कंप्लीट किए हैं काइंड ऑफ एडजेक्टिव, तो आप वीडियो की लिस्ट में जाकर उससे देख सकते हैं. ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक सेंटेंस को, देन वी विल अंडरस्टैंड वेयर द एडजेक्टिव कम. ओके सो द फर्स्ट सेंटेंस इज द शिप सस्टेन्ड हैवी डैमेज. ओके अब देखिए हमको यहां पर सिर्फ देखना है कि एडजेक्टिव कहां. पहले तो हम फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड वेयर नाउन कम्स. ओके सो अगर हम देखते हैं तो हमारा जो सेंटेंस है द शिप सस्टेन्ड हैवी डैमेज. ओके सो हम जानते हैं कि हमारा सब्जेक्ट द शिप है, उसके बाद सस्टेन हैवी डैमेज ये हमारा प्रीडिकेट है. अब देखिए सस्टेन हमारी ट्रांजिटिव वर्ब है. ओके अब सस्टेन हमारी सस्टेन हमारी ट्रांजिटिव वर्ब है, इसी वजह से ये अपने ऑब्जेक्ट के साथ आई जो कि डैमेज. यहां पर देखिए वर्ब जो है वो क्या बनी हुई है, आप ये कह सकते हैं कि यहां पर वर्ब बनी हुई है हमारी नाउन. ओके तो डैमेज हमारी हुई नाउन. अब देखिए डैमेज हमारी नाउन हुई, इसको ही डिस्क्राइब करने के लिए इससे पहले जो वर्ड आया है वो है हैवी. ओके तो हम जान गए कि हैवी हमारा एडजेक्टिव है. अब ये किस काइंड का एडजेक्टिव है, देखिए ये डैमेज की क्वालिटी बता रहा है, कैसा डैमेज हुआ, बहुत ही ज्यादा डैमेज हुआ, बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ. तो देखिए ज्यादा नुकसान के लिए ये एडजेक्टिव आ रहा है, तो ये हमारा क्या बता रहा है, ये हमारा इसकी क्वालिटी बता रहा है, तो इसको हम कहेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. ओके चलिए लेट्स कम टू द सेकंड सेंटेंस. सेकंड सेंटेंस टेल्स आई हैव कॉल्ड सेवरल टाइम्स. ओके अब देखते हैं यहां पर कि हमारा पहले सब्जेक्ट क्या है, उसके बाद प्रीडिकेट क्या है. तो सिर्फ यहां पर सब्जेक्ट हुआ हमारा आई है, आई एक सिर्फ प्रोनाउन है, सब्जेक्ट की जगह पर कुछ भी नहीं है. आगे देखते हैव कॉल्ड सेवरल टाइम्स, ये हमारा प्रीडिकेट है और हम जानते हैं कॉल हमारी ट्रांजिटिव वर्ब होती है, ये अपने ऑब्जेक्ट के साथ आएगी आएगी और जो ऑब्जेक्ट आएगी ऑब्जेक्ट की जगह पर नाउन प्रोनाउन आती है. ओके अब हमारा देखा कि नाउन आई है टाइम्स, चलिए तो टाइम्स क्या है, हमारी नाउन है. अब इसको डिस्क्राइब करने के लिए इससे पहले एक वर्ड आया हुआ है, हम जानते हैं कि नाउन से पहले अगर नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए वर्ड आता है इससे पहले उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं. चलिए ठीक है अब ये कौन सा एडजेक्टिव हुआ, ये आएगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर के इनडिफिनिट में. ओके कि हम इसको गिन नहीं सकते मगर ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है. एडजेक्टिव ऑफ नंबर के लिस्ट में मतलब कि काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव में ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर में आएगा. ओके और उसमें भी किस में आएगा, इनडिफिनिट नंबर में, इनडिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव है ये जिसको हम गिन नहीं सकते. ओके तो सेवरल हमारा क्या हुआ यहां पर, इनडिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव. थर्ड देखते हैं एवरी मैन हैज हिज ड्यूटी. अब देखते हैं पहले सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट में दो वर्ड है और हैज से हमारा प्रीडिकेट स्टार्ट हुआ है, तो हैज पहले हम देखते हैं सब्जेक्ट में. सब्जेक्ट में जब हम देखेंगे तो एवरी मैन लिखा हुआ है, मैन हमारी नाउन है, इसको डिस्क्राइब करने के लिए एवरी आया हुआ है, तो ये हमारा एडजेक्टिव हुआ. अब ये किसमें आएगा, ये आएगा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में. ओके ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जो एडजेक्टिव का काइंड है उसमें आएगा हमारा एवरी. एवरी आता है, ईच आता है, इधर आता है, नीदर आता है. ओके तो एवरी हमारा आ गया एडजेक्टिव ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में. फोर्थ देखते हैं, अब देखिए यहाँ पहले इससे पहले हमने तो सब्जेक्ट का भी एनालिसिस किया, अब हम देखते हैं एक बार प्रीडिकेट. तो प्रीडिकेट में हैज आया ये पोजीशन डिनोट करने के लिए, हैज हिज ड्यूटी. अब देखिए ड्यूटीज यहाँ पर नाउन है और नाउन से पहले प्रोनाउन आया हुआ है, तो अब देखिए नाउन से पहले आया हुआ है प्रोनाउन, तो यहाँ पर तो प्रोनाउन आया हुआ, एडजेक्टिव तो आया नहीं, उसको ड्यूटीज को डिस्क्राइब करने के लिए कोई वर्ड तो आया नहीं है, तो एडजेक्टिव नहीं हुआ ये प्रोनाउन हुआ. तो अब यहाँ पर पूरी बात खत्म, एडजेक्टिव एक जगह पर आया वो भी सब्जेक्ट में आया हुआ है नाउन से पहले, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा एडजेक्टिव. चलिए और मैंने बताया आपको डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हुआ एवरी. ओके फोर्थ देखते हैं, ही इज अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स. ओके अब देखते हैं यहाँ पर ही आया है और पहले हम देखते हैं इसमें नाउन हमारी है, सिर्फ सब्जेक्ट हमारा ही है जिसमें प्रोनाउन आया. आगे बढ़ते हैं, इज अ मैन ऑफ न्यू वर्ड्स, ये हमारा प्रीडिकेट है.
इज अ मैन। ओके, अब देखिए ऑफ हमारा क्या है, ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन अपने ऑब्जेक्ट के साथ आता ही आता है, तो इसके ऑब्जेक्ट की जगह पर वर्ड्स आया है। वर्ड्स हमारी क्या है, नाउन है, नाउन से पहले इसको डिस्क्राइब करने के लिए फ्यू आया है। ओके, तो फ्यू हमारा हुआ एडजेक्टिव। अब ये किस में जाएगा, ये भी इंडिफिनिट नेचर का ही एडजेक्टिव ऑफ न्यूमरल एडजेक्टिव है, सो कहते हैं इंडिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। तो ये हमारा किस कैटेगरी में चला गया, इंडिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव में फ्यू। फिफ्थ देखते हैं, नीदर एक्यूजेशन इज ट्रू। चलिए अब देखते हैं, पहले हम लोग सब्जेक्ट में दो वर्ड आए, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रीडिकेट ऑलवेज स्टार्ट विद द वर्ब, तो यहां से देखिए इससे स्टार्ट हो रहा है ये, तो ये प्रीडिकेट हो गया। अब देखिए नीदर एक्यूजेशन में दो वर्ड है, एक्यूजेशन हमारा क्या है, नाउन है, और इससे पहले जो इसका वर्ड डिस्क्राइब करने के लिए आया है वो है नीदर। तो नीदर हमारा क्या हुआ, नीदर में हमको पता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हुआ, ठीक है, ये एडजेक्टिव हम जानते ही, और किस कैटेगरी में आएगा एडजेक्टिव के, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में। चलिए सिक्स देखते हैं, गुड वाइन नीड्स नो बुश। अब देखिए इसमें भी हमको निकालना होगा पहले कि सब्जेक्ट कहां तक गया हुआ है और फिर प्रीडिकेट कहां है, प्रीडिकेट वर्ब से शुरू हुआ, नीड से लेके नो बुश। ओके, अब देखिए यहां पर हम देखते हैं एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव जब हम देखेंगे एक हमको दिख रहा है नो, जो कि बुश से पहले आया, बुश हमारी नाउन है, ठीक है, इससे पहले, क्योंकि नीड्स हमारा क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है, ये अपने ऑब्जेक्ट के साथ आएगा, तो ऑब्जेक्ट की जगह पर जो नाउन आई है वो बुश है, इसको इसको डिस्क्राइब करने के लिए नो आया हुआ है, तो नो भी हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। ये भी हमारा किस में आता है, इनडिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव में आता है, इसको हम गिन नहीं सकते। ओके, इसके लिए में आएगा। अब वाइन भी हमारी नाउन है, नीड से पहले देखिए सब्जेक्ट आया हुआ वाइन, वाइन को डिस्क्राइब करने के लिए गुड आया हुआ, अब ये वाइन की क्वालिटी बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया। ओके, चलिए अब देखते हैं सेवन सेंटेंस है, ही कम्स हियर एवरी डे। ओके, अब देखते हैं कि इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट में ही आया हुआ है, उसके बाद कम्स से हमारा, हमको पता है कि वर्ब से ही हमारा प्रीडिकेट स्टार्ट होता है, तो कम्स हमारा प्रीडिकेट हो गया, उसके बाद हियर आया हुआ है, एडवर्ब लगी हुई है, एवरी डे। अब देखिए कम्स हमारा क्या है, उसके बाद एवरी डे आया हुआ है, ठीक है, एवरी डे में डे जो हमारा है वो नाउन है, और इसको डिस्क्राइब करने के लिए एवरी आया हुआ है, एवरी, ईच, नीदर, इधर, ये सब जो है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं, तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की कैटेगरी में आ जाएगा। एट देखते हैं, अ स्मॉल लीक मे सिंक अ ग्रेट शिप। अब देखिए अ स्मॉल लीक, तो ये हमारा है सब्जेक्ट, उसके बाद मे से स्टार्ट हुआ, ये गया यहां तक प्रीडिकेट। अब हम देखते हैं कि सब्जेक्ट में हमारे थ्री वर्ड्स है, लास्ट में हमारा सिर्फ एक्सट्रीम, राइट में हमारे पास क्या है, नाउन है, नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए स्मॉल आया, मतलब कि ये नाउन की क्वालिटी बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया स्मॉल, और ए डिटरमिनर लगा हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं मे सिंक अ ग्रेट शिप, अब देखिए सिंक आया हुआ है, ठीक है, सिंक हमारी वर्ब है, अपनी ट्रांजिटिव वर्ब है, तो ये अपने साथ क्या लेके आएगी, जो है ऑब्जेक्ट लेके आएगी, तो ऑब्जेक्ट की जगह पर नाउन की जगह पर शिप लेके आई है, और शिप को क्वालिफाई करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए ग्रेट आया हुआ है, तो ग्रेट में हमारा शिप की क्वालिटी बता रहा है, ठीक है, तो यहां पर भी ये दोनों ग्रेट और स्मॉल, ये दोनों एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव की कैटेगरी में एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में आएंगे। ओके, चलिए नाइन देखते हैं, सम ड्रीम्स आर लाइक रियलिटी। अब देखिए यहां पर हम देखते हैं, तो ये आर लाइक रियलिटी हमारा प्रीडिकेट है, उससे पहले ये दो वर्ड के सब्जेक्ट है, इसमें हमारा ड्रीम्स नाउन है, और इसको इसको डिस्क्राइब करने के लिए सम आ रहा है, ठीक है। अब सम भी हमारा किसमें आता है, इंडिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव में आता है, जिसको हम गिन नहीं सकते, इंडिफिनिट होते हैं, ठीक है, सम ड्रीम्स, और उसमें एक दो ड्रीम ऐसे तो नहीं बता सकते, बिल्कुल डिफिनिट नंबर में तो नहीं बता सकते, इसलिए इंडिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव में आता है, एडजेक्टिव की कैटेगरी में इंडिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव में इसको गिना जाता है, तो सम हमारा इंडिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव का एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। अब टेंथ देखते हैं लास्ट, आई हेट सच थिंग। अब हमारा अगर हम सब्जेक्ट और प्रीडिकेट निकाले, तो आई हमारा सब्जेक्ट हुआ, उसके बाद हेट सच थिंग हमारा प्रीडिकेट हुआ। अब देखिए आई हमारा सब्जेक्ट हुआ, तो यहाँ प्रोनाउन आया, हमको कोई मतलब नहीं, क्योंकि एडजेक्टिव तो आया नहीं है, और हम क्या कर रहे हैं, आइडेंटिफाई एडजेक्टिव कर रहे हैं, एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। हेट हमारा क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है, ये अपने ऑब्जेक्ट के साथ आया, तो ऑब्जेक्ट्स का थिंग है, थिंग्स को डिस्क्राइब करने के लिए सच आया हुआ है, सच जो आया हुआ है, और सच किस में आता है हमारा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में, इधर, नीदर और ईच, सच, ये सब आता है। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई हैव सेड टू यू, ओके, एंड व्हाट आई हैव टॉट टू यू, ठीक है। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होते हैं, तो प्लीज कमेंट करिए, ताकि आगे आने वाले वीडियो में मैं उसे क्लियर कर सकूं। थैंक यू सो मच।